नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से। अलवर में 2 मंजिला मकान गिर गया, पड़ोस में बेसमेंट की खुदाई के चलते ये बड़ा हादसा सामने आया। बड़ी संख्या में मौके पर लोग मौजूद हैं। 200 फीट रोड पर हनुमान सर्किल के पास ये हादसा हुआ। पीड़ित मनोज गुप्ता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अरुण और मनोहर ने जबरदस्ती रात को बेसमेंट की खुदाई की थी। तो अलवर में एक बेसमेंट की खुदाई के चलते उसके पास में मौजूद 2 मंजिला मकान ढह गया। और इसी खबर पर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बेसमेंट की खुदाई कोई और कर रहा था लेकिन मकान किसी और का गिर गया, प्रशासन ने इस पर अब तक क्या एक्शन लिया है? की बात की जाए तो प्रशासन 2.5 दिन चले 2.5 कोस वाली जो कहानी है वो चरितार्थ हो रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल कोई मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर की जनसुनवाई है, वहां पर पीड़ित पक्ष जो है मनोज अब प्रशासन से गुहार लगाने के लिए निकला है। वो अभी वहां जा रहा है। उसका कहना है कि मैं कलेक्टर से जाकर के इस पूरे मामले की शिकायत करूंगा। लेकिन जिस तरीके से जो मामला हादसा सामने आया उसमें कहीं ना कहीं UIT जो होती है नगर विकास न्यास उसकी और स्थानीय जो लापरवाही है वो सामने आई है। 200 फीट बाईपास का जो रोड है वहां पर बिना UIT की मंजूरी के और जो मकान का नक्शा होता है उसकी अप्रूवल के बिना मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जिस तरीके से नियमों को ताक में रख करके अवैध रूप से JCB रात में चलाई गई और 10 फीट से ज्यादा की खुदाई की गई, जिसकी वजह से ये जो मकान है ये मकान हादसे का शिकार हुआ है। गनीमत ये रही कि राजेंद्र, ये मकान की खुदाई किसने की थी, क्या उससे बातचीत हो पाई, उसने सारे नियमों को ताक पर रखकर देर रात खुदाई की जिसके चलते पड़ोस का मकान गिर गया? जी, मकान मालिक जो मनोज है उसका कहना है कि अरुण और मनोहर नाम के दो व्यक्ति हैं, भाई हैं, उनका ये बगल का प्लॉट था जिसमें उनके द्वारा पूर्व में जब खुदाई की गई थी तो उनके द्वारा विरोध किया गया था, तब काम रोक दिया गया था। लेकिन बीती रात को JCB से खुदाई की गई है और इस खुदाई की वजह से ये जो हादसा हुआ है। और क्योंकि सुबह जब उसने देखा था मकान में नीचे दरार आने लग गई थी, जिस साइड से खुदाई हुई थी वहां पर ज्यादा बिल्कुल उसके मकान के लगते हुए जो दीवार थी उस दीवार की जो नींव थी उससे नीचे खुदाई कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो मकान है वो पूरी तरीके से धराशायी हुआ है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी जयपुर में होटल के अंदर एक बघेरा घुसाया। कानोता कैसल होटल के अंदर यह बघेरा घुसा, लोगों में हड़कंप मच गया। होटल को खाली किया गया। मौके पर जयपुर चिड़ियाघर की टीम पहुंची है। चिड़ियाघर की टीम ने बघेरे को रेस्क्यू किया है। तो होटल के अंदर कानोता कैसल में ये एक पैंथर जो था वो होटल के अंदर घुस गया। होटल के अंदर भगदड़ मच गई, जो लोग अंदर होटल में रुके हुए थे। फिलहाल होटल को खाली करवाया गया और इसके बाद में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि टीम ने बघेरे को रेस्क्यू कर लिया है। इसकी वजह से पूरे होटल के अंदर हड़कंप। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक होटल में पैंथर की एंट्री। हालांकि जानकारी के मुताबिक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जब होटल में पैंथर को देखा गया उसके बाद में होटल को खाली करवाया गया। फिलहाल चिड़ियाघर की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर लिया है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें उस होटल कैसल की जहां पर ये पैंथर घुस आया। ये होटल की तस्वीरें हैं जहां पर इस पैंथर को देखा गया। लोगों ने वीडियो फोन के जरिए इसका वीडियो भी बनाया। ये होटल का एक कमरा है जहां पर ये पैंथर इस समय मौजूद है। और इसको देखने के बाद में फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद में
होटल में हड़कंप मच गया। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरबाज, क्या अपडेट इस पैंथर को लेकर, कैसे रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कि बिल्कुल घर के अंदर एक तरह से होटल के रिहायशी इलाके में ये पहुंच गया था पैंथर, और आपने देखा कि ये कैसे झपटता हुआ नजर आया, और ये स्टार्ट करने के बाद का वीडियो है जिसमें इसको बेहोशी का ट्रैंकुलाइज करने का इंजेक्शन लगाया गया था। पीछे रेड कलर का एक सब एडल्ट पैंथर है जो कि खाने पीने की तलाश में भूख प्यास की वजह से आबादी की तरफ आ गया। लंबे समय से जयपुर में इस तरह के मामले आ रहे हैं, और जयपुर की करीब 20 कॉलोनी ऐसी है जो जंगल के आसपास बसी हुई है, और वहां रोजाना इस तरह के पैंथर के मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई हल वन विभाग के पास से निकल नहीं पा रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हर बार इस तरह का कोई रेस्क्यू करते हैं और पैंथर को आसपास छोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले भी लगातार हमने जो केम्बे गोल्फ कोर्स था उसमें देखा था कि बिल्कुल शहरी इलाके में आबादियों के आसपास पैंथर घूम रहा था। स्मृति वन में पैंथर आ गया था, झलाना के आसपास की बस्तियों में पैंथर आ रहे हैं, लगातार जयपुर में गलता में और आमेर जैसे इलाकों में पैंथर घरों में आ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है वन विभाग के लिए कि आसपास के जो दो जंगल हैं, झालाना है, गलता है, इनमें पैंथर के बढ़ने की वजह से उनकी आबादी में आने का मूवमेंट बढ़ गया, जिसके लिए कुछ किया जाना जरूरी है। यकीनन अरबाज, इसकी वजह से आम लोगों में भी जो है वो दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और ये खबर धौलपुर से, ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत हो गई। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही भारी पड़ी, गलत नस कटने से महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई महिला मृत है, और ये खबर धौलपुर से इस वक्त की, जहां पर नसबंदी ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला हॉस्पिटल पहुंची थी, बताया जा रहा है कि गलत नस कटने से इस महिला की मौत हो गई। जो महिला के साथ आए थे परिजन, उन्होंने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और इस घटना से जुड़ा बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही से ऑपरेशन करने की सजा क्या है? डॉक्टर की लापरवाही से जान का जिम्मा किसका है? धौलपुर के जानलेवा डॉक्टर पर कार्रवाई कब और क्या की जाएगी? ये वो सुलगते सवाल जो इस मौत के बाद में सामने आ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर की जानलेवा लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, डॉक्टर की लापरवाही से जान का जिम्मा आखिर लेगा कौन? और ये खबर चित्तौड़गढ़ से, दो पक्षों में खूनी झड़प, 6 लोग घायल। फेसबुक पर फोटो शेयर करने पर हमला किया गया, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। भोपाल सागर तहसील के पारिका खेड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों में खूनी झड़प हुई, 6 लोग इसमें घायल हो गए, बताया जा रहा है। फेसबुक पर फोटो शेयर करने को लेकर यह हमला किया गया, लाठी डंडों से एक दूसरे पर दोनों पक्ष टूट पड़े। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया, चित्तौड़गढ़ का यह मामला है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भोपाल सागर तहसील के पारिका खेड़ा गांव में यह घटना हुई जो कि चित्तौड़गढ़ में आती है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक फोटो शेयर करने को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ, जिस पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, 6 लोग इसमें घायल हैं, खूनी झड़प हुई, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला था क्या, भोपाल सागर तहसील के पारिका खेड़ा गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में पारिका खेड़ा एक फोटो थी, बताया जा रहा है, जिसे एक पक्ष ने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया और उसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया जहां उनका इलाज चल रहा है, साथ ही साथ पुलिस उनके बयान भी वहां पर अस्पताल में समय ले रही है। भोपाल सागर तहसील का यह मामला है जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है।
और ये खबर श्री गंगानगर से, कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूद कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ के रावला मंडी में रिको क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें उस कार की जिसमें आग लग गई, जिस समय इस गाड़ी में आग लगी थी इसमें लोग सवार थे, लोग बाहर निकल आए, जनहानि नहीं हुई। कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक जीप है जिसमें यह आग लगी हुई है। जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर यह आग लगी क्यों। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने महिला के गले से सोने की चैन लूटने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला अपने खेतों में घास लेने गई थी, जहां से वापस आते समय दो बदमाशों ने उससे गले में पहनी 2 तोले की चैन तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। अब मामले में सदर थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग के आरोप में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही लूटी गई चैन की बरामदगी की कोशिशें की जा रही है। तो एक हादसे में महिला भी घायल हुई। प्रोडक्शन वारंट के तहत आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। विधिवत पूजा पाठ के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक से पहले सीएम को तिलक लगाया गया, दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों को भी तिलक लगाया गया। कैबिनेट की बैठक में पूजा अर्चना का यह पहला मामला है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक विधिवत पूजा पाठ के साथ शुरू हुई है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है बैठक से पहले सीएम को तिलक लगाया गया, दोनों डिप्टी सीएम को तिलक लगाया गया, मंत्रियों को भी तिलक लगाया गया। ये तस्वीरें बैठक में सभी मंत्रियों के पहुंचने की। दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री, सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में होने हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, बैठक शुरू हो चुकी है कैबिनेट की, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम और सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। देखिए, पहला मौका होगा जब राजस्थान की विधान, राजस्थान कैबिनेट में आज तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है प्रदेश में, तो पहली बार बैठक विधि विधान से हुई। पूजा अर्चना कराई गई, तिलक लगाया गया सारे मंत्रियों को, और राजराजेश्वर जो मंदिर है उनके जो महंत हैं उनको खास तौर से बुलाया गया और स्वस्ति का वाचन कराया गया। तो एक तरह से धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश देने की कोशिश की है भजनलाल कैबिनेट ने, और सबके सब जो मंत्री हैं वो बेहद प्रफुल्लित नजर आए जब पूजा पाठ कराया गया। तो विरोधी जो हैं वो बहुत सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार आम जनता के बीच में ये प्रचारित करने की जरूर कोशिश करेगी कि वो राम राज्य की तरफ जाने वाली सरकार है, प्रदेश के कल्याण के लिए जिस तरह का मार्ग भगवान राम ने अपनाया था, ठीक उसी रास्ते पर राजस्थान को ले जाया जाएगा। और भगवान राम का अब भव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले ये जो कैबिनेट की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें जो फैसले होंगे जिन पर चर्चा हो रही है वो उसके बारे में तो बात बार आना अभी बाकी है क्योंकि बैठक खत्म नहीं हुई है, लेकिन पूजा पाठ कराया जाना, राजराजेश्वर मंदिर के महंत को बुलाया जाना, ये अपने आप में बताता है कि इस सरकार में भी धर्म पर बहुत जोर रहेगा, अनुष्ठान कर्मकांड होते रहेंगे और सरकार जो है आम जनता को ये जताने की कोशिश करेगी कि वो राम राज्य पर चलने वाले, राम राज्य का सपना उसका है, उसको साकार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। तो एक कोशिश है जो आज उन्होंने करी है, अब देखना यही है कि फैसले क्या होते हैं, उस पर सबकी निगाह इस वक्त है। बाबूलाल, फैसलों की बात आप बता रहे हैं कि उस पर लगातार नजरें जो है बनी रहेंगी। बार बार पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर बात की जा रही कि वैट की कमी को लेकर इसमें जो है वो फैसला हो सकता है, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा प्रदेश की जनता के लिए अगर आज ये फैसला होता है तो?
बाबूलाल से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बाबूलाल का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। साल की सर्विस में अंदर राजस्थान में पहली बार विधि विधान से पूजन सभी मंत्री सभी मुख्यमंत्री सहित स्वस्तिक वाचन होकर और कैबिनेट प्रारंभ हुई। तो ये आपने मतलब कितनी देर में लगी आपको क्या मंत्रोच्चार किए? मैंने स्वस्ति पाठ किया और जो गणेश जी का मंत्र ध्यान किया और वहाँ जाके सभी मंत्रियों के सेक्रेटरियों के सभी के स्वस्ति करके और स्वस्ति जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनके स्वस्ति करके उन्हें स्वस्ति वाचन हुआ था। पूरा पूजा पाठ पूरे खाली खाली स्वस्ति पाठ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। एक तरफ राम मंदिर बनने को लेकर उत्साह है तो दूसरी तरफ व्यापार बढ़ने की खुशी। न्यूज 18 राजस्थान ने राम की पौड़ी के व्यापारियों से बात की। जय श्री राम। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी सजकर तैयार है और न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में जय श्री राम की गूंज है और भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अयोध्या नगरी में इस वक्त हम मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तरह तरह के विशेष पूजा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो स्वर्ग में पहुंच चुके हों। लेकिन इससे इतर चूंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, रोजगार दीजिए, बेरोजगारी ज्यादा है, तो इस पर जरा नजर दौड़ाते हुए हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अयोध्या में विकास हो रहा है और अयोध्या नगरी कितनी बदल गई है। चलिए ले चलते हैं खास सफर पर। तो अयोध्या में विकास कितना हुआ है ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं राम की पैड़ी पर, जहां पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। एक ओर राम की पैड़ी में भक्त पहुंचे हुए हैं तो दूसरी ओर यहां पर व्यवसाय भी खूब फल फूल रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। कहां से आप भैया? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। अभी कितना बूम हुआ है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुँचते होंगे, विकास हुआ है? जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से भीड़ अयोध्या में हो रही है बराबर। आमदनी में इजाफा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अब बहुत खुश होंगे आप लोग? नहीं नहीं बिल्कुल खुश हैं। तो लोगों को जब आप सुनिए तो वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि एक और जहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। चूंकि यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग जो यहां पर हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो बहुत मजा आ रहा है, हम बेहद खुश हैं। तो चाय की थड़ी पर हम पहुंचे थे और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं चाट ठेले की दुकान पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहां पर कस्टमर्स भी पहुंचे हुए हैं। जो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी है वो भी यहां पर खाना खाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारी सहयोगी प्रियंका इस समय अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास सीधा चलते हैं, लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाते हैं। प्रियंका, महज 4 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कैसी तैयारियां हैं और क्या अयोध्या तैयार है देश भर से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए? प्रियंका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो 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 हेलो, फिर से कोशिश करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। और जब प्रभु श्री राम के नाम का जिक्र हो और हनुमान का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त और कहा जाता है कि जब तक हनुमान गढ़ी में दर्शन ना करो प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इस वक्त हम हनुमान गढ़ी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ से जो पथ आप देख पा रहे हैं उसे भक्ति पथ कहते हैं। भीड़ आप देखिए जरा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और इधर जो दुकानें आपको दिखेंगी वो एक जैसी दुकानें बनाई गई हैं। पहले ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी लेकिन फिलहाल इस सड़क को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है और यहाँ पर कलाकृति आप देख पा रहे हैं दीवारों पर, अद्भुत यहाँ पर कलाकृति दिखाई दे रही है। एक ही फॉन्ट में ये सारी दुकानें और लगभग 1 किलोमीटर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ठीक इसी तरीके से आपको अद्भुत तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर चारों ओर भगवामय माहौल है और सिर्फ भगवान श्री राम के नाम की गूंज है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहां से हैं आप? मैं यही अयोध्या का ही रहने वाला हूं और जय श्री राम सबसे पहले बोलूंगा। जय श्री राम,
जो बोलेगा जय श्री राम उसके सारे हो जाएंगे अधूरे काम। राम ही राम है और जब सब तरफ राम है। ये आप दुकानें जो देख रहे हैं ना, जिसके दुकानों के आगे जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये सब सरकार ने बनवाए हैं। ये हमारी भाजपा सरकार की देन है। और जो बोर्ड के कलर मैरून कलर के और जो इंद्रधनुष बना हुआ है, हनुमान जी बने, सब सरकार ने बनाए हैं और उनको दुकान सरकार ने दी है, पूरी व्यवस्था दी है। आप दुकान करो और हनुमान जी को लड्डू चढ़ता है, बेसन का भोग लड्डू का लगता है। इस टाइम ये खुशहाली है। मैं बताऊं यहाँ के जो लोग हैं, जो आप भी यहीं के हैं, पहले और अब में कितना फर्क देख पा रहे हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हजार गुना हुआ है, हजार गुना विकास हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि कितना विकास हुआ। मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं पला, मेरे बच्चों की शादी यहीं हुई और मैं देख रहा हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हैं, कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। इसके पहले हम भी यहाँ पे आए थे, आज से 4 साल पहले, तो अयोध्या कुछ नहीं थी। आज अयोध्या ऐसी लग रही है कि हम आपसे क्या बताएं, पूरा हृदय शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। जो मतलब जिसको जो कहना है, विपक्षी पार्टी को जो कहना है सो कहे, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने अयोध्या के लिए वो कर दिया है जो हम लोग सोचे नहीं थे। जय जय सियाराम। जय श्री राम। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। प्रियंका, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अयोध्या की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो रामनगरी पूरी तरीके से तैयार है इस समय। प्रियंका, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में